मैं अरविंद प्रसाद टाटा स्टील में योग ट्रेनर हूं और मैं जो इस साल समर कैंप ऑनलाइन हो रहा उसमें आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, अभी हम लोग योग शुरू करते हैं। योग शुरू करने के पहले इसका नियम जानना जरूरी है, क्योंकि बहुत लोग हैं कि इसका सही जानकारी नहीं रखने पर फायदा जितना करना चाहिए उतना नहीं कर पाता है। तो सबसे पहले हम लोग योग शुरू करने के पहले जान लेना चाहिए इस आपका जो है सुबह में जब हम करते हैं योग तो शौच क्रिया से निवृत्त होकर ही करना, शाम में अगर करते हैं तो 4 से 5 घंटा के बाद आप खाने के 4 से 5 घंटा के बाद कर सकते हैं। दूसरा नियम है कि जब आप शुरू में सुबह में जो करते हैं तो स्नान करके कर सकते हैं, चाहे शाम में भी करते हैं, लेकिन अगर योग के बाद स्नान करना चाहते हैं तो आपको 20-25 मिनट के बाद ही योग को करने के बाद स्नान कर सकते हैं। योग करने के 20-25 मिनट के बाद खाना खा सकते हैं, नाश्ता कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं। और कोशिश करें कि अगर अपने घर में कर रहे हैं तो पूरे खिड़की को खोल दें, अगर ओपन जगह पर करते हैं तो अति उत्तम, नहीं तो खिड़की खोल दें, एक घी का दिया जला दें, वो अगर नहीं जलता है तो अगरबत्ती ना जलाएं, लेकिन गूगल होता है उसको जला के आप योग को शुरू कर सकते हैं। कोशिश करना है कि जितना ओपन जगह हो उतने अच्छा रहेगा और ज़्यादा फायदा लेना है, तो यही है नियम। और इस नियम का सुबह में करते हैं तो ज़रूर आप शौच क्रिया उसके लिए पानी पीजिए, चाहे आपको जो भी करना हो, पेट आपका साफ होना चाहिए तब हम योग का स्टार्ट करते हैं। आप किसी भी एक आसन में बैठ कर सकते हैं, चाहे कहीं भी आप कर सकते हैं। योग को हम शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग पहले या तो 3 बार पवित्र ओम का उच्चारण से करते हैं। तो हम आपको एक बात बता देते हैं कि जितने भी हम, चूंकि ये आपको वीडियो जो बताया जा रहा है उसको हम शॉर्ट में बताएंगे, लेकिन आपको इतने तक काम नहीं करना है, हम जितना आपको समय बताएंगे उतना आपको करना है, क्योंकि हम लोग आपको एक डेमो बताएंगे कि कैसे लोगों को इस सही दिशा में करवाना है। तो सबसे पहले हमको जानना जरूरी है कि सबसे पहले 3 बार पवित्र ओम का उच्चारण करेंगे। अगर महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री जाप वगैरह आपको याद है तो उसको कर सकते हैं, नहीं तो 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर करेंगे 1 बार और लास्ट में हम आपको कराएंगे जितने शॉर्ट करेंगे, लेकिन कोशिश करिए कि आप 3 बार करिए, 3 बार, लेकिन हम यहाँ पर 1 बार ही करके दिखलाएंगे, चूँकि आपको सैंपल बता रहे हैं। अब है कि आप समझ लीजिए कि एक ही योग जो रोगी है उनके लिए चिकित्सा पद्धति का कार्य करता है, जो भोगी है उनके लिए जीवन पद्धति का कार्य करता है, और जो योगी पुरुष है उनके लिए साधना पद्धति का कार्य करता है। योग में जो योग अगर नियमित करिएगा तो न आपको रोग होगा और न आपको मृत्यु का भय रहेगा, इतना हम आपको बता दे रहे हैं। अभी हम लोग करते हैं 1 बार, हम अभी यहाँ पर करेंगे, लेकिन आपको 3-3 बार करना है। घर पर आप करते हैं चाहे अकेले करते हैं, आप समर कैंप में इसका फायदा लेना चाहते हैं तो आप इसको 3 बार कम से कम करिएगा। तो लंबा पहले हर बार लंबा सांस भरेंगे और 1 बार ओम का उच्चारण, मंत्र का उच्चारण करने के बाद अब हम किसी भी एक आसन में बैठ गए, जैसे इसका नाम है वज्रासन, अगर इसमें बैठ सकते हैं तो अच्छा है, नहीं तो बैठ जाए सीधा ये आपको पद्मासन हो गया। इसमें भी अगर नहीं बैठ सकते हैं तो आप बैठ जाइए, देखिए हम इसको कर रहे हैं, इसमें सिद्धासन हो गया ही, आप देख रहे हैं इस सिद्धासन में हम बैठ गए, आपको एकदम जमीन पर सटा हुआ। इसमें भी अगर बैठने में तकलीफ है तो आप आराम से सुखासन में बैठ गए, मेरुदंड को सीधा रखना है और ज्ञान मुद्रा में बैठ गए। अब हम जो पहला प्राणायाम करेंगे, स्टार्ट हम करेंगे पहले प्राणायाम से। तो प्राणायाम में क्या करेंगे, सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम का नियम है कि आप समझ लीजिए सांस भरना और छोड़ना जिस दिन आपको आ गया तो समझिए कि आपका बीमारी दूर हो गया। हम लोग क्या करते हैं कि सांस जब भरते हैं तो केवल छाती फुलाते हैं, लेकिन आपको जब हम सांस भरते हैं तो सबसे पहले आपका सांस ब्लैडर में जाता है। तो ब्लैडर 3 जोन में बटा रहता है, वो आपको सबसे लोअर जोन, जिससे जैसे हम सांस भरेंगे तो पेट थोड़ा बाहर की तरफ आएगा, छाती फैलेगा और शोल्डर अपने आप उठेगा।
ये नहीं कि हम केवल छाती वाला पोर्शन हम भर रहे हैं और छोड़ रहे हैं, तो हमको कोशिश करना है कि हमको डीप ब्रीदिंग करें, जितना लंबा सांस भरे। और एक और ध्यान करना है कि हम जो है सांस जब भरेंगे तो हर सांस के साथ ओम ओम रूपी सांस भर रहे हैं और ओम रूपी सांस छोड़ रहे हैं। तो सांस का यही नियम है। भस्त्रिका प्राणायाम में हम दोनों नाक से सांस भरते हैं और दोनों नाक से सांस छोड़ते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम में हम करते हैं कि लेफ्ट से भरते हैं राइट छोड़ते हैं, राइट से भरते हैं लेफ्ट छोड़ते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम कम से कम 5 मिनट करना चाहिए, और अगर आपको ज़्यादा बीमारी है तो इसको 10 मिनट कर सकते हैं। तो हम आपको और एक और आपको ध्यान रखना है कि जब हम सांस भरेंगे, मान लीजिए कि 5 सेकंड में हम सांस भर रहे हैं, तो कोशिश करना है कि 6 सेकंड 7 सेकंड में सांस छोड़ें। मतलब कहने का मतलब है कि जितना देर भरने में लगाना है उससे छोड़ने का समय हमेशा बड़ा होगा, लार्जर होगा, छोड़ने का समय हमेशा लार्जर होगा। तो अब हम मात्र 1 राउंड हम करा रहे हैं, ज्ञान मुद्रा में बैठ गए किसी भी एक आसन में, धीरे धीरे देखिए हम कैसे सांस भरते हैं। ध्यान सांस पर, आपका जब भी भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे ध्यान सांस पर रहेगा। ऐसे पूरा भर लिए, अब धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। फिर से धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। अब यहीं पर क्या होता है, जब हम सांस छोड़ते हैं तो पेट अंदर की तरफ सक करते हैं, लेकिन जब सांस हम भरने लगते हैं तो आदमी अकबका जाता है। तो इसी को धीरे धीरे जब हम सांस भरना फिर से वहां पर चालू करेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे, इसी का नाम है प्राणायाम। तो हम इसको 5 मिनट आपको करना है, अगर बीमारी ज्यादा है तो इसको 10 मिनट तक कर सकते हैं। अब इसके बाद हम इसको करेंगे 15-15 बार, दोनों को हम लोग करते हैं इसमें। इसका नाम है सूक्ष्म व्यायाम और कटी सौंदर्य आसन, ऐसे हम करते हैं। अगर मेरुदंड को सीधा रखते हैं और ऐसे करेंगे ऐसे, इसका नाम है कटी सौंदर्य आसन, कमर को सुंदर और सुडौल बनाएगा। ऐसे किए, अब फिर से इसको 15-15 बार किए। अब हम चलते हैं दूसरा प्राणायाम के तरफ, जिसका नाम है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में आपको इतने ध्यान रखना है कि केवल सांस छोड़ना, केवल सांस छोड़ना, और कोशिश करिए हर स्ट्रोक के साथ ओम 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 छोड़े। और बहुत आदमी क्या करता है कि कपालभाति करते समय पूरे शरीर को हिला देता है। इसमें इतना ध्यान रखना है कि कपालभाति करते समय केवल पेट अंदर जाएगा, छाती में भी झटका नहीं लगेगा, हिलेगा नहीं, न शोल्डर हिलेगा, न मुख मंडल पर हमेशा मुस्कान माने हंसी का माहौल रहेगा। इस तरह से करना। और हम जो कपालभाति कराते हैं इससे, अगर आप निश्चित रूप से अगर इसको कर लीजिएगा, कम से कम 15 मिनट का अभ्यास हर आदमी को करना चाहिए। अगर शुगर है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह बहुत बढ़ा हुआ है, तो पेट बढ़ा हुआ है, वेट बढ़ा हुआ है, तो 30-30 मिनट का अभ्यास करना है निश्चित। लेकिन अभी हम आप लोगों को मात्र 4 प्रकार का कपालभाति करवा देते हैं, इसमें अगर करिएगा तो बहुत फायदा होगा। हम आपको मात्र 5-5 बार करवाएंगे कपालभाति, लेकिन आपको 15 मिनट कम से कम करना है। जैसे मान लीजिए कि इसका नाम है चंद्र कपालभाति, पेट पर हाथ रखे यहाँ पर और केवल हम सांस छोड़ रहे हैं। इसमें कोई भी आप चेक करते रहेंगे कि यहाँ पर तो हिल तो नहीं रहा, देखिए इसे। कुछ भी नहीं हिलना चाहिए। अब चंद मान लीजिए कि हम 15 मिनट का अभ्यास करते हैं, तो इसको हम 4 मिनट किए, 4 मिनट सूर्य कपालभाति किए ऐसे, देखते रहेंगे कि छाती तो नहीं हिल रहा, केवल पेट अंदर जाना चाहिए। तब हम करेंगे चंद्र सूर्य कपालभाति ऐसे, तब हम चौथा जो कपालभाति है इसका नाम है सामान्य कपालभाति ऐसे। अगर 16 मिनट का अभ्यास करिएगा तो 4 मिनट का सूर्य कपालभाति, 4 मिनट चंद्र कपालभाति, 4 मिनट चंद्र सूर्य कपालभाति है, 4 मिनट जो सामान्य कपालभाति। अब बोलिएगा क्वेश्चन कि हम कहां से सांस भरें,
सांस भरना नहीं, सांस अपने आप आएगा, केवल आपको छोड़ने पर ध्यान देखना है, और इसमें ध्यान आपका रहेगा पेट पर। चले अब थोड़ा सा दोनों पैरों को हम बाहर निकाल लें, अब सूक्ष्म व्यायाम आ जाता है इसमें, बीच बीच में सूक्ष्म व्यायाम देते हैं। तो अभी हम लोग पैर की एड़ी का एक्सरसाइज कर लेंगे, हर प्राणायाम के बीच में सूक्ष्म व्यायाम देते हैं। अब इसको घुमा लिए, आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा कर लिए, केवल हम लोग को आप लोगों को सिखाने के लिए बता रहे हैं। तो आप ऐसे घुमा लिए, फिर से दोनों पैरों को बाहर कर लिए, अंदर किए, बाहर किए, अंदर किए। अगर जिनको बीमारी है थोड़ा सा ज़्यादा ज़्यादा करेंगे इसको। अब इसको गोल घुमा लिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे कर लिए, दोनों पैरों के बीच में गैप किए, और इसको मोड़िया, इसको मोड़े। अब आप ऐसे किए पूरा, चले। अब आप बैठ जाएं, फिर से किसी भी एक आसन में बैठ जाएं। अब करेंगे हम बाह्य प्राणायाम और अग्निसार, मात्र हम एक एक बार बताएंगे। बाह्य प्राणायाम रिस्ट्रिक्शन है कि प्रेगनेंसी के समय नहीं करना चाहिए, पीरियड के समय नहीं करना चाहिए, और जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है, पार्किंसन है, पैरालिसिस है, उनको नहीं करना। इसमें सांस को भर के छोड़ दिया जाता है, तीन बंद लगाया जाता है, मूल बंद, उड़ियान बंद और जालंधर बंद, मतलब तीन बंद एक साथ लगता है। मतलब सांस को हम एक बार भरेंगे, सांस को बाहर छोड़ देंगे, अब पेट को अंदर खींच के मल द्वार को थोड़ा सा ऊपर उठेगा, मूल बंद लगेगा, यहाँ जालंधर, उड़ियान बंद और यहाँ पर मूल बंद, तीनों बंद एक साथ, और जितना रोक सकते हैं रोकेंगे। इससे मन की चंचलता को दूर होती है, शीघ्र पतन, स्वप्न दोष जैसे पुरुष वर्ग का बीमारी दूर होता है, और महिलाओं में प्रेगनेंसी, पीरियड वगैरह की समस्या आती है, ज्ञानी की समस्या ठीक होती है। कैसे करते हैं देखिए, ऐसे सांस भरे, सांस को छोड़ दिया, अब देखिए जितना रोक सकते हैं रोकेंगे। आपको शरीर का अतिक्रमण नहीं करना है और हट पूर्वक नहीं करना। अब इसका जो मान लीजिए तीन तीन बार इसको किए, तब हम करेंगे अब इसके बाद जो है अग्निसार क्रिया, जो सांस को छोड़ने के बाद पेट को अंदर बाहर चलाते हैं। हम आपको कैसे करते हैं इसका सहयोगी क्रिया है, देखिए ऐसे पहले सांस भरे, फिर से सांस छोड़े, इसको कम से कम 20 से 40 बार तक चलाते हैं अपना कैपेसिटी के अनुसार। धीरे 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 हम बढ़ाएंगे, तो कम से कम तीन तीन बार इसको करेंगे। तो आपको तीन प्राणायाम हो गया, सूक्ष्म व्यायाम बीच बीच में। अब थोड़ा सा दोनों पैरों को हम बाहर निकालते हैं, और इसके बाद सूक्ष्म व्यायाम फिर से इसको हम यहाँ पर पकड़ लिए, और घुटना को उठने नहीं देंगे ऐसे। इसको 15-15 बार करना चाहिए, लेकिन हम आपको दो दो बार करके दिखला रहे हैं, 1, 2, 3, 4। इसको 15-15 बार अपने घर में कर सकते हैं, अच्छा रहेगा। अब फिर से हम बैठ जाएंगे। अब जो चौथा और बहुत जबरदस्त प्राणायाम है, जिसका नाम है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम भस्त्रिका में वही अंतर है, केवल अंतर इतना है कि अनुलोम विलोम में हम बायां से सांस भरते हैं, दाहिना से छोड़ देते हैं, फिर से दाहिना से भरते हैं और बायां छोड़ते हैं। तो ये नहीं कि हम बहुत लोग क्या करते हैं, दाहिना से भरने लगता है, और इसमें एक स्पेशल मुद्रा लगता है जिसका नाम है नासिका मुद्रा। कैसे है देखिए, ये आपको उंगली का नाम है तर्जनी उंगली, जिसको इंग्लिश में फोर फिंगर बोलते हैं, और इसका नाम है मिडिल फिंगर, जिसको मध्यमा उंगली बोलते हैं। अब ये तीन गो उंगली देखे हुए हैं, इसमें ज्ञान मुद्रा लगा हुआ। बहुत आदमी ऐसे कर देता है, वैसे नहीं करना, ऐसे किए। और हम जब सांस हम अनुलोम विलोम में करेंगे, तो इससे पार्किंसन, पैरालिसिस, हार्ट का प्रॉब्लम से लेकर बड़ा बड़ा बीमारी इसी से दूर होता है, इस सब के लिए है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले दाहिना नाक को दाहिना अंगूठा से बंद कर देंगे। हम आपको केवल 2 राउंड हम आपको करवाएंगे, और आप लोग अपने घर में इसको कम से कम 15 मिनट, अगर हार्ट का प्रॉब्लम है तो 30 मिनट तक इसको बढ़ा के कर सकते हैं, तो इसको कभी नुकसान नहीं करेगा। तो करते हैं देखिए कैसे हम भर रहे हैं, एकदम मेरुदंड को सीधा, और सांस हम कैसे भर रहे हैं देखिए। ओम रूपी सांस हम भर रहे हैं, पूरा भर लिए। जितना इसका अभ्यास करिएगा उतने फायदा हो। अब इसको दोनों उंगली का सहारा इसको बंद कर दिए। अब दाहिना नाक से हम इसको सांस को छोड़ रहे हैं, फिर से भरें।
तब इसको हम बंद किए। छोड़ रहे हैं, फिर से एक राउंड, दूसरा राउंड फिर से कर रहे हैं। जितना लंबा सांस अभ्यास करिएगा उतने अच्छा है। ध्यान सांस पर, अनुलोम विलोम भस्त्रिका में ध्यान सांस पर, कपालभाति में ध्यान पेट पर, हर स्ट्रोक के साथ ओम का ध्यान। छोड़ दिए पूरा, छोड़ते समय पेट को अंदर सक किए, फिर से भरे। कम से कम 15 मिनट, ज्यादा से ज्यादा धीरे धीरे आप बढ़ाएंगे। अगर आप पहले दिन करिएगा तो कोशिश करिए 5 मिनट कम से कम, 2 मिनट 3 से भी चालू कर सकते हैं। पूरा भरने के बाद अब इसको बायां नाक से सांस छोड़ते हुए हम अभी रुकेंगे, चूंकि आपको केवल तरीका बताना हमको, चूंकि बताने लगेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, तो आपको केवल जान लीजिए गाइडलाइन क्या है। अब हम रुक गए और नॉर्मल पोजिशन में, तो आप इतना प्राणायाम किया, अभी हम थोड़ा सा खड़ा होकर एक्सरसाइज करेंगे। बहुत सारा एक्सरसाइज है, उसमें आपको हम सूर्य नमस्कार भी आज करवाएंगे। अब हम ऐसे, हाँ ऐसे बैठना है, थोड़ा सीधा ऐसे, दो इसको 20 बार कर सकते हैं ऐसे। उसके बाद हम थोड़ा सा हाथ को इसे फ्री गोल घुमाएंगे, इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। आप थोड़ा सा घर में ज़्यादा करेंगे, हम थोड़ा सा केवल आपको गाइडलाइन बता रहे हैं। ऐसे एकदम नॉर्मल पोजिशन में ऐसे किए, फिर से दोनों का हाथों को एक साथ किए, ऐसे इसका उल्टा घुमाए, फिर से आगे पीछे किए, फिर से ऐसे किए आप, ऐसे फिर से इसका उल्टा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब हम ऐसे किए, आप पूरा ट्विस्ट किए, ऐसे पूरा ट्विस्ट किए। तो आपको कभी भी फिर से कमर पर हाथ रख के गोल घुमा लें, उल्टा घुमा लें, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब हम सूर्य नमस्कार करेंगे, एक राउंड सूर्य नमस्कार हम आपको बता रहे हैं, लेकिन आप अपने कैपेसिटी के अनुसार करेंगे। बीज मंत्र के साथ हम सूर्य नमस्कार आपको करा रहे हैं, हम मंत्र के उच्चारण के साथ, हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पोषण पावरेणु सत्य धर्माय दृष्टे ओं ह्रें मित्राय नमः, ओं ह्रीं रवे नमः, ओं ह्रूं सूर्याय नमः, ओं ह्रें भानवे नमः, ओं ह्रौं खगवे नमः, ओं हरः पूषणे नमः, ओं ह्रें हिरण्यगर्भाय नमः, ओं ह्रीं मरीचये नमः, ओं ह्रूं आदित्याय नमः, ओं ह्रें सवित्रे नमः, ओं ह्रौं अर्काय नमः, ओं हरः भास्कराय नमः। चले अब पेट के बल लेट जाए, ये कमर दर्द साइटिका स्लिप डिस्क का समझ लें, ठीक है चल करें। कमर दर्द साइटिका स्लिप डिस्क सबके लिए है, देखिए ऐसे पैर को मोड़े आप, मकरासन इसका नाम है, मकरासन सबको करना है, साइटिका हो स्लिप डिस्क हो सर्वाइकल स्पॉन्डाइटिस हो, फिर से दोनों को एक साथ ऐसे, फिर से अब इसके बाद भुजंगासन दूसरा पोजिशन ऐसे, एक इसको जितना बार आप कर सकते हैं करेंगे, पूरा हाथ सीधा भुजंगासन। उसके बाद इसका दूसरा रूप कर लेंगे ऐसे, देखिए तिर्यक भुजंगासन, केवल गर्दन को मोड़ के तीर्थायणी को देखेंगे, इसको आप कम से कम 3-3 बार कर लें। अब करेंगे साइटिका के लिए सलभासन, इसका नाम है सलभासन साइटिका। चलिए एक एक पैर को उठाएंगे, इसको कम से कम जिनको प्रॉब्लम है वो ज्यादा घुमा उठाएंगे इसको, कम से कम 10-10 बार दोनों ओर के, लेकिन आप आपको केवल हम पोजीशन बता रहे हैं। इसका दूसरा भाग है, इसको करिएगे दूसरा भाग है सलभासन का, साइटिका का, ऐसे सब करना है मकरासन और तब धनुरासन, ऐसे 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 देखिए ऐसे की क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब हम थोड़ा सा पीठ के बल लेट जाएंगे, देखो उत्तान पादासन हम करेंगे, इसमें 1 फीट उठाते हैं और होल्ड करके रखते हैं, आप जितना होल्ड कर सकते हैं करेंगे इसको, इससे आपका नाभि बैलेंस होता है, पाचन क्रिया मजबूत होता है। उत्तान पादासन, तो आप जितना कैपेसिटी के अनुसार, इसके बाद नौकासन, इसको भी
पंच पंच बार कर लेंगे। और तब थोड़ा पेट घटाने के लिए इसको पादवृतासन इसका नाम है, गोल घुमाते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, फिर से एक पैर के बाद दूसरा पैर से ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बड़ा शून्य बनाते हैं। और तब दोनों को मिलाकर ऐसे गोल घुमा लिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। और तब करते हैं मरकटासन। अब देखिए दोनों पैरों को इसमें सटा लेंगे, कमर दर्द साइड का स्लिप डिस्क सबके लिए है, दोनों हाथ फैला लेंगे। और इसको जिनको कमर दर्द है उनको ज़्यादा करना, हम आपको एक एक बार बता रहे हैं। ऐसे किए देखिए, एक पैर दूसरा पैर पर चढ़ा हुआ है और तब दूसरा साइड ऐसे, फिर से इसका दूसरा रूप। अब देख लीजिए दोनों घुटना अलग अलग जमीन पर सटा हुआ है। और तब इसको देखिए, हम एक एक बार, लेकिन इसको जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम है उसको करना है ज़्यादा। अब हम करेंगे रोलिंग सबके लिए। देखिए ऐसे ऐसे पकड़े और ऐसे, जो एकदम दुबले पतले उनके लिए है, और जो थोड़ा मोटा है वो ऐसे करेंगे, और जिनको एकदम मोटा है तो आप ऐसे करेंगे। और इसको करेंगे साइड, इसका नाम है रोलिंग एंड रॉकिंग। अब हम बैठ गए, बैठ जाने के बाद थोड़ा सा दोनों पैरों को बाहर निकालें जल्दी से, हम लोग अब समापन की तरफ है। और ऐसे गोल घुमा, इसका नाम है चक्की चलाने वाला अभ्यास, इसका उल्टा घुमा लें। आप घर में ज़्यादा करेंगे और तो आप रोटी बेल लें, आप ऐसे रोटी बेल लें, इसको रोटी बेलन बोला जाता है। उसके बाद गोमुखासन ऐसे, गोमुखासन से हम चालू करते हैं। देखिए ऐसे हम बैठ गए और जो घुटना ऊपर है वही घुटना को हम ऊपर की तरफ लेके गए, यहाँ पर पकड़े हुए हैं गोमुखासन। अब दूसरा पैर से भी सेम करेंगे ऐसे ही, लेकिन हम आपको नहीं बता रहे हैं क्योंकि समय की कमी है। जैसे एक पैर चढ़ाए अब दूसरा पैर चढ़ाएंगे। अब इसके बाद जो कमर दर्द और डायबिटीज में विशेष फायदा करता है उसका नाम है अर्धमत्स्येन्द्रासन। इसको आप ऐसे मोड़ लें यहाँ पर और बायां पैर को उठा के यहाँ पर रख लें, और तब आप इसको पकड़ लें, आप ऐसे ऐसे पकड़े, और जो बायां हाथ है पीछे, इसमें भी दोनों साइड से करना आपको। इसको हम एक बार करके दिखला दे रहे हैं, ऐसे देखिए ऐसे किए और ऐसे कर लिया आप, तब पीछे में हाथ लगेगा। अब थोड़ा सा हम लोग, बहुत जरूरी है उज्जयी प्राणायाम। पहले उज्जयी प्राणायाम के पहले हम आपको सर्वाइकल स्पोंडाइटिस फ्रोजन, आप केवल सीक्वेंस देखिएगा क्योंकि समय की कमी है। ऐसे किए हम, हाथ को केवल देखते रहिएगा, उल्टा घुमा लिए, इसको ज़्यादा ज़्यादा करेंगे ऐसे, इसको इसको एक केवल सीक्वेंस देखिएगा, इसी सीक्वेंस में करना है। इसको ऐसे पकड़े, दोनों हाथों को इंटरलॉक किए। जिनको बीमारी है ज़्यादा ज़्यादा करना है, केवल आपको डेमो हम बता रहे हैं, करके दिखला रहे हैं। अब ऐसे किए और ट्विस्ट किए पहले, उसके बाद मुट्ठी बनाकर ट्विस्ट किए, उसके बाद ऐसे किए, फिर से सामने से लेके गए, ऐसे किए मुट्ठी बनाए और ऐसे मुड़े, उसके बाद कलाई को मुड़े, उसके बाद मुट्ठी बना लिया आप, फिर से आप कंधा को गोल घुमाए, इससे आँख का भी रोशनी ठीक होता है, और उल्टा घुमा लिया। जिनको सर्वाइकल हो गया, कलर लग गया है, उसको दूर करने के लिए आप इसको पूरा ताकत दिन भर में 3-4 बार करेंगे। और तब हम बटरफ्लाई करेंगे, ऐसे बटरफ्लाई करेंगे। और तब आप उज्जयी प्राणायाम, गर्दन का थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे। देखिए गर्दन पीछे आगे पीछे आगे, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, दाया बाया दाया बाया, क्लॉक वाइज गोल घुमाए, एंटी क्लॉकवाइज गोल घुमाए, आँख बंद करके, आँख खोल के चक्कर नहीं आना चाहिए। अब आपको उज्जयी प्राणायाम से थायराइड, जो खराटा लेते हैं, सर्दी खांसी सालों भर लग रहती है, अभी जो प्रॉब्लम आ रहा है खराश हो जाता है गला में, उसको दूर करेगा। ऐसे देखिए कैसे, हम एक बार करके दिखला रहे हैं। देखिए ऐसे गला पर, यहाँ कंठ पर आपको ध्यान रखना है, इसका नाम है उज्जयी प्राणायाम। कुछ देर रुक जाएंगे, अब आपको हम लास्ट में समापन है तो शवासन में थोड़ा सा लेट जाएंगे, और उसके बाद ही भ्रामरी और नादानुसंधान। इसमें केवल आपको बता रहे हैं, एक एक राउंड सबको हम करा रहे हैं। लंबा पहले सांस भरेंगे, हम ज़्यादा लंबा भी नहीं भर रहे हैं, समय कमी है। पहले अकारा करेंगे ऐसे, ज्ञान मुद्रा में बैठकर हम आपको बताते जाएंगे। इसको आप लोग घर में 3-3 बार 9-9 बार 5-5 बार कर सकते हैं। फिर से उकारा, चिन्ह में मुद्रा देख लीजिए लगाए हुए हैं, ओ शुरू से अंत तक आंख बंद रहेगा, मकारा आदि मुद्रा है देख लीजिए।
म का उच्चारण होता है इसमें, उकारा में ऊ का उच्चारण होता है, अकारा में अ का उच्चारण होता है। अब ब्रह्म मुद्रा बैठ गए और दोनों को, तीनों को एक साथ अ उ म को 1:1:2 रेशियो में तब हम करेंगे ओंकारा, सिंपल ओम का उच्चारण, लंबा गहरा सांस भरकर ओ, तब हम भ्रामरी भावरा जैसा आवाज निकल रहा है, देखिए इसको अंदर में हम ना का उच्चारण करते हैं, जीभ जाके तालू में सटा रहना चाहिए। तब हम लोग दोनों हाथ पीछे ले जाएंगे, कम से कम सभी को अकारा उकारा मकारा अ उमा एक साथ ओंकारा और भ्रामरी कम से कम तीन तीन बार, नहीं तो पच पच बार, नौ नौ बार करते हैं। दोनों हाथों को पीछे रखते हुए दाहिने हाथ में मुट्ठी बाएं दाहिने कलाई को पकड़कर सांस छोड़ते हुए धरती माता को नमन करते हैं। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा, मंत्रों का उच्चारण के साथ समापन करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही। दोनों हाथों को आपस में रगड़े, अपने चेहरा पर हाथ फेरे, फिर से रगड़े, गला को मालिश करे एक बार और रगड़े, पूरे शरीर पर हाथ फेर दे। तब दोनों हाथों को आंखों के सामने रखे, धीरे धीरे पलक झपकाते हुए आंख खोले, सभी को नमस्कार।